देखिए इधर हमने दो छेद कर लिए। ये स्वागत है आपको पार्ट टू में। तो अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। काम करते छोटा ही करते हैं इसे, वरना जलता नहीं है। तो इससे जलने लग गया। ये देखिए फ्रेंड्स, धुआं निकल रहा है। ये देखिए, देखिए धुआं। देखिए कितना जला लिया हमने, ये देखिए कितना सा जला लिया हमने। अब आप सोच सकते हैं हमारा सूरज कितने काम का है, इससे हम पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। वैसे पार्ट टू नहीं, मैं एक जगह इसे जोड़ कर दूंगा, जोड़ा लगा दूंगा। देखिए कितने सारे धुएं निकल रहे हैं, देख सकते हैं इधर धुआं धुआं हो चुका है। और यही चीज़ हम अगर इस टायर में करें तो भी हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा टाइम लगेगा टायर में करने से। तो फ्रेंड्स हमने इससे तो कर लिया, अब इससे ट्राई करते हैं एक बार। हो जा जल जा जल जा जल जा, आज तेरा इससे तो नहीं हो रहा है। वैसे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, इससे थोड़ा कम हो रहा है। हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या लेना देना, हमें तो सूरज से लेना देना है। यार जलने की बू आ रही है, शायद पेपर कुछ ज़्यादा ही जल चुका है, हमारा प्यारा पेपर। हाँ इससे ज़्यादा जल्दी जलता है। क्या कर दिया इस पेपर का हाल। वाह यार क्या जलने की बुआ रही है। अब इधर से भी थोड़ा ट्राई कर देते हैं, इसको थोड़ा इस दिशा में करके इस पॉइंट को छोटा कर देते हैं। अभी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। हाँ हो चुका हो चुका हो चुका हो चुका। आ गया आ गया।
धुआं निकल रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, धुआं निकलने लग गया लग गया। पेपर जल गया, पेपर जल गया, पेपर जल गया। इसे कॉन्टिन्यूसली पकड़ के रखना पड़ता है, वरना अगर इसे छोड़े तो मैं भी अपने रिस्क से ही कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पैर वैर सब कुछ हटा लिया है और सिर्फ इससे ही कर रहा हूँ। अगर आप ही आग के साथ ट्राई करें तो डेफिनेटली आप अंधा हो जाएंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है, पेपर ये भी ठंडा हो चुका है। यार ये देखिए क्या क्या कर दिया इस पेपर का, तो इस पेपर का तो कोई लाभ नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, उठते हैं और चलते हैं घर में। यार बहुत गर्म लग रहा है। बाय फ्रेंड्स, तो आज आपने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पेपर का हाल क्या किया। बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो अभी हम क्या करने वाले हैं, वो जो एक इफेक्ट है जिसमें सूरज में मैग्नीफाइंग ग्लास देकर फिर आग जलाया जाता है एक पेपर में, तो हम वही ट्राई करते हैं। इसके लिए ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास, ये देखिए मैं बड़ा हो गया। हाँ, और एक छोटा सा एक ऐसा भी मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये देखिए ये अब एंटीक है। ये खुला जाता है लेकिन ये नहीं, इसलिए ये एंटीक है। ये खुलने वाला भी नहीं मिलते, अभी बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, पेपर का भी टुकड़ा ले लेता हूँ कहीं से, एक मैं क्या करता हूँ अखबार ले लेता हूँ। हमारे पास घर में बहुत अखबार है लेकिन अभी मुझे एक भी अखबार मिल नहीं रहा है। हाँ मिल गया, हाँ जी मिल गया, ये शायद, हाँ ये पहले का ही है। तो हम क्या करते हैं, बड़ा टुकड़ा लेते हैं, ये देखिए इतना बड़ा टुकड़ा है। तो अब हम चलिए चलते हैं। तो हमारे बगीचे में बहुत खिला है, तो हम क्या करते हैं इधर तो थोड़ा धूप आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ मोबाइल को थोड़ा, ये देखिए साइड पर पड़ा, मैं मोबाइल को थोड़ा दूर कर देता हूँ ना, कहीं कुछ और ना हो जाए, जो सोचा था उसका उल्टा ना हो जाए, मतलब कि मोबाइल ना कहीं जल जाए। मैंने मोबाइल को दूर कर लिया है और हाँ मैग्नीफाइंग ग्लास से, ये नहीं इस मैग्नीफाइंग को देते, हाँ ये बहुत गर्म है। धुआं तो निकलने लगा है, धुआं निकल रहा है बट जल नहीं रहा है। हाँ धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, जलना भी स्टार्ट हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स धुआं निकलने लग गया, तो थोड़ा बड़ा करते हैं अब। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पेपर जलने में लग गया है, तो मैं एक मिनट में, ये देखिए मैं जैसे ही मार रहा हूँ, ये देखिए धुआं इधर से आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो सही है बिल्कुल, देखिए इधर